हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तीखा चिकन रसीला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चिकन लिया है। तो चिकन को मैंने हल्का सा फ्राई किया, आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से हमने इसे फ्राई करना है, यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और पैन में हमने ऑयल गर्म करना है अच्छे से। और यहाँ पर जो है हम चिकन के पीसेज इसमें डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको चिकन को जो है हमने डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, हल्का ही ऑयल डाला है। और जैसे चिकन एक साइड से पक जाता है तो हम उसको पलट देंगे। तो यहाँ पर मैं चिमटे से इसको पलट रही हूँ तो ईजी रहता है। तो इस तरीके से पीसीस का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पीसीस जो है हमारे अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। तो पैन में भी काफ़ी ऑयल बचा हुआ है, लगभग एक चम्मच के बराबर। तो उसमें हम आधा चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर हम एक बड़ा प्याज लिया है, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और अगर प्याज छोटा है तो आप दो प्याज ले सकते हैं, लेकिन प्याज बड़ा था तो मैंने यहाँ पर एक ही लिया है और उसको कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी जो है हल्का सा हमारा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक का पेस्ट हम इसमें मिला देंगे। चिकन बना रहे हैं तो चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है ताकि एक अच्छी खुशबू उसमें आ सके। तो इसलिए यहाँ पर अलग से हम एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने लिया है, तो इसको भी मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाहिए यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच हम लेंगे यहाँ पर चिकन मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और नमक जो रहेगा वो स्वाद के अनुसार रहेगा। चिकन मसाला भी हम ज़रूर इसमें ऐड करेंगे क्योंकि चिकन बना रहे हैं, तो कोई भी ब्रांड का आप चिकन मसाला ले सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं, तो हमने यहाँ पर दो टमाटर लिए हैं और उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। प्याज और टमाटर को हम मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं, हम यहाँ पर इसको कद्दूकस ही करेंगे दोनों चीज़ों को। तो टमाटर को भी अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ पर मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है, एक मिनट हो गया है हमें। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल जो है वो मसाले में छोड़ने लगा है ऑयल। तो मसाला बिल्कुल तैयार है। तो उसको मिला लेते हैं। तो जब मसाला हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद ही हम इसमें चिकन की पीसीज जो हैं वो हम ऐड करते हैं। तो सारे पीसीज हम इसमें डाल देते हैं। अब मसाले को और जो चिकन की पीसीज हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि जो मसाला है वो हर पीस में अच्छे से लग जाए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम आधा कटोरी के बराबर सेजवान सॉस ले रहे हैं, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ये तीखा चिकन है तो यहाँ पर हमने शेजवान सॉस लिया है, तो उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब हम फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं और सब्ज़ी को अब हम थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे बनने में, क्योंकि हमने जो चिकन के पीसेस थे उनको हमने शैलो फ्राई किया था तो आधा वो वहाँ पर पक चुके हैं, और थोड़ा हम उसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देना है। और यहाँ पर मैं एक गिलास के बराबर पानी डालूँगी। अगर आपको थिक ग्रेवी में चाहिए तो यहाँ पर ही आप इसको थोड़ा पकाकर बंद कर दीजिए गैस, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा रस वाला बना रही हूँ तो यहाँ पर हम एक गिलास के बराबर जो है पानी डालेंगे और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। गैस को स्लो कर कर ही पकाना है ताकि जो पीस हैं वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ। और इसको कवर कर कर ही पकाएंगे हम। और अगर आप थोड़ा थिक ग्रेवी में बना रहे हैं तो आप आधा गिलास पानी डालें और थोड़ा उसको पकने दें और गाढ़ा होने दें। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रेवी बन गई है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी में ही बनाया है, तो कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं और पीस चेक करते रहेंगे। जैसे ही पीस गल जाएंगे तो हमने गैस को ऑफ़ करना है। तो चिकन हमारा लगभग बन चुका है, तो यहाँ पर हम फ्रेश हरा धनिया एक बार फिर से डाल रहे हैं और पीसेस गल गए हैं। तो अब एक उबाल लाकर हमने गैस को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने बढ़िया से इसकी प्लेटिंग करी है और थोड़ा ऊपर से फ्रेश हरा धनिया और डाला है।
तो आप देख सकते हैं तीखा चिकन रसीला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया ये दिख रहा है। इसका जो कलर है, जो ग्रेवी का जो कलर आया है, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। साइड में हल्का सा ऑयल दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और आप चाहें तो इसको राइस के साथ सर्व कीजिए। राइस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ग्रेवी में है ये। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, ये खास तीखा है ये चिकन, तो अगर आप तीखा पसंद करते हैं ये चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको चिकन की रेसिपी पसंद आई है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा आप नहीं खाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आपने लाल मिर्च डाली है वो लाल मिर्च ना डालें, सिर्फ शेजवान राइस सॉस में ही इसको बनाएं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा जो स्पाइस है वो कम हो जाएगा, जो तीखापन है वो कम हो जाएगा और टेस्ट वैसा ही आएगा। लेकिन इसी तरीके से बनाइए, बहुत सिंपल है। आपने देखा, बहुत ही सबसे अच्छी बात है कि रेसिपी बहुत अच्छी है और थोड़ा तीखा चिकन रसीला ज़रूर है ये, लेकिन बहुत टेस्टी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके से बनाइए, बस जो चिकन के पीसेस हैं उसको बहुत ही सेफली अच्छे से जो है रोस्ट करना है, उसका ध्यान दीजिएगा। धोने के बाद चिकन को आप अलग से पहले रख लीजिएगा ताकि किसी छन्नी में, ताकि जो पानी है वो निकल जाए, वरना अगर पानी ज़रा भी चिकन में रहेगा तो, और उसको आप ऑयल में डालेंगे तो छींटे आ सकते हैं। तो सेफली बनाइए और ज़रूर मुझे बताइए कि आज की मेरी